अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर ही बन रही है कीमा, बना रही हूँ मैं, कीमा भून रही हूँ। एक्चुअली में ना बहुत टाइम हो गया, तो मैं सोची थी क्यों ना भाई, अब लास्ट रमजान है, मतलब जा रहा है, एक दिन भी ना मैं कीमा समोसा नहीं बनाई। तो मैं क्यों सोची कीमा तो है, चलो कीमा समोसा ही बना लेते। तो यहाँ पर कीमा को फ्राई करके रख दी थी, बेस्ट तैयार करके, फिर मैदा गूंद रही थी, मैदा आटा, और आटा नहीं डाली, सॉरी मैदा ही गूंद रही हूँ मैं। आटा पूरी हम बनाते हैं लेकिन इसमें सिर्फ मैदा का बनता है। तो यहाँ पे बहन भी थी, बच्चे लोग भी थे, आ गए, तो दोनों अबान लोग सब आ गए थे। तो बस हम लोग अपने स्टाइल में, मैं ना एक मेरे यहाँ भी है सांचा, बट ना पता नहीं मिल नहीं रहा था, तो मैं खाला से सामने वाले घर से ना मैं मांग ली थी, तो वो दिए, तो उसमें एक दो बार ट्राई करें हम लोग, पर मज़ा नहीं आया मुझे ना, कुछ जमा ही नहीं समोसा बनाने का। तो एक दो ट्राई करने के बाद हम लोग क्या किया, छोड़ दिए। हम लोग सोचे चलो क्यों ना अपने स्टाइल में ही हम बनाते हैं, एक दो बनाए पर नहीं जम रहा था। फिर बहन ना हम लोग के जो टाटा में जो बनता था जमशेदपुर में ना समोसा, एक्चुअली में इसको ही समोसा हम लोग वहाँ बोलते हैं, जमशेदपुर के स्टाइल में है ये। और जो आलू वाला जो समोसा यहाँ बोलते हैं ना, वो समोसा उसको सिंगारा बोलते हैं जमशेदपुर में। तो ये बहन ना बहुत अच्छे से हाथ से बना रहे थे, तो बोले चलो ऐसे ही बनाते, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, साँचा से अच्छा ना ये ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसे हम लोग दोनों बहन मिलकर ट्राई कर रहे थे, फिर जल्दी जल्दी बनाए और फिर छाने, बहुत अच्छा बना था। कीमा समोसा अच्छा लगता ही है, और आलू वाला समोसा नहीं मज़ा आता है, कीमा समोसा यहाँ भी मिलता है हम लोग के रायपुर में, बट वो इतना ज़्यादा प्याज डाल देता है ना उसमें, तो वो लगता ही नहीं है कि कीमा समोसा है, बस नाम रहता है बस कीमा, अब वो पूरा आलू मतलब प्याज प्याज रहता है उसमें। लेकिन बहुत लोग पसंद करते हैं, यहाँ का टेस्टी बनता है, खैर उन लोग की बात अलग है, लोग बहुत टेस्टी बनाते हैं, और हम लोग घर का भी बनाना चाहिए कभी कभी, अच्छा लगता है। तो मैं इसी स्टाइल में बनाई, और मुझे मैं सोची क्यों ना अपने स्टाइल में बनाऊँ, थोड़ा सा अलग तो अच्छा लगता है, बट अच्छा ही बना था, टेस्टी ही बना था, हम लोग खाए बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर ही ना क्या बोलते हैं उसको, आलू चाट बनाना था हम लोग को, तो आलू चाट का मैंने चटनी वगैरह मज़ा नहीं आता है, तो दही की कोई भी शक्कर डाल कर रख दी थी, और चटनी यहाँ पर ही ना रेडी कर रही थी मैं, और बोली क्या बना लो, कुछ मीठा बना लेते हैं क्योंकि बच्चे हैं तो थोड़ा मीठा अच्छा लगता है, थोड़ी सी बनाओ बस, कुछ अलग से एक मीठा बनाओ। तो यहाँ पर सेवई का ना जर्दा बना रही थी मैं, एकदम थोड़ी सी, एक दो चम्मच ही खा लो ना तो अच्छा लगता है, बच्चों को ना टेस्ट अच्छा लगता है, एक मीठा होना चाहिए, दो तीन नमकीन रहता है ना तो एक मीठा रहना चाहिए। तो मैं ये भी फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, रमजान में ऐसे ही एक से दो बार कोई भी चीज़ बनाई हूँ मैं, दो बार अगर रिपीट हो गया तो बहुत मतलब है, दो बार चल जाता है, उससे बाद ज़्यादा भी नहीं अच्छा लगता कि आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके बना के खा रहे हो, तो मन भी भर जाता है। एक तो रोज़ा रखो तो बच्चों को बहुत ख्वाहिश होती है कि मम्मी ये बनाना, मम्मी वो बनाना, तंग करते हैं, लेकिन जब बना के दोगे ना तो खाते नहीं हैं उन लोग, छोड़ देते हैं वैसे ही कि नहीं पानी पी लेते इतना ज़्यादा, और अभी लास्ट लास्ट का रोज़ा तो इतना ज़्यादा लग रहा है ना कि भूख प्यास भी नहीं लग रही है, बट पता नहीं क्यों ना इंसान ना एकदम सुस्त हो जा रहा है, लूज एकदम बॉडी वीक हो गई, एकदम काम ही नहीं कर रही है। एक तो दौड़ भाग इतना हो गया है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों, आप सब बताना कमेंट्स करके कि सबका ये हाल है क्या, मेरा तो यही हाल है, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं इतना ज़्यादा ना कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि एक्चुअल में काम ज़्यादा हो जाता है, फिर घर का बाहर का शॉपिंग करना चल रहा है, थोड़ा बहुत निकलना हो जा रहा है कहीं ना कहीं, बस मगरिब की नमाज़ के बाद चाय पिए हम लोग, फिर बहन के साथ मार्केट जाना था हम लोग को, हम लोग दोनों बहन ही गए थे, चलो देख लेते हैं कुछ कुछ बच्चों का एक एक करके ले आते हैं, तो बस गए देखे, कुछ मूड इतना ज़्यादा चेहरा उतरा हुआ था ना, जब हिम्मत नहीं हो रही थी जाने की, कि जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट बोले चलो चलते हैं, अब टाइम बहुत कम है तो धीरे धीरे करके नहलाते हैं। और मार्केट इतना ज़्यादा यहाँ का सिस्टम है ना ख़राब कि मार्केट बंद हो जा रही है, हम लोग को निकलते चाय वाय पी के टाइम इतना हो गया था, और जब निकले तो 9:30 बजे के बाद मार्केट बंद हो जा रही है, इतना गुस्सा आ रहा था ना, वो एक दो सामान लो फिर वापस आ जाओ, ऐसा हो रहा था हाल। तो बहन के हस्बैंड भी थे साथ में, एक जेंट्स को बुला लेते साथ में रहेंगे, तो उनको लेना था बच्ची का, बहुत सारा उनको शॉपिंग करना था, और मैं भी चलो मैं भी जाए साथ में, तो मुझे भी कुछ कुछ लगता ही बच्चों लोग का, तो ले लेते हैं। यहाँ पर पर्स देखते, बहन को लेना था पर्स, गुनगुन ने जोया के लिए वो पर्स ली, मामा के लिए पर्स ली, हर साल ईद के समय लेते हैं हम लोग बच्चे के लिए, तो इस बार बोली अभी मैं लाती हूँ। फिर यहाँ पे हम लोग शरबत पिए, ये है शरबत, मोहब्बत की शरबत, जो मेरा फेवरेट शरबत है, ये बहुत अच्छा बहुत टेस्टी बनाया था, पिछली बार आई थी बट पी नहीं थी, इस बार ना मैं और बहन दोनों जन हम लोग एक गिलास ट्राई करते, मैं बोली बाहर का पता नहीं कैसा था, हाँ बट इसमें सब्जा नहीं डला हुआ था, मैं उसको बोली भैया सब्जा नहीं डला हुआ, सब्जा डलने से ना और भी टेस्ट लगता, बस हो गया। तो बस हम लोग निकल रहे थे, यहाँ पर ही बहन को कप दिख गया, उसको चाय का कप लेना था रास्ते में, ये बाजार पर में ना ठेले में मिलता है वाइट का, बहुत अच्छा रहता है ये, तो उसको लेना था चीनी मिट्टी का, तो भी बहुत अच्छा लगता है, वाइट में भी बहुत खूबसूरत दिखता है। तो बस ये लिए हम लोग घर आ गए, घर आने के बाद रात में फिर बहुत सुकून से नाना खाने के बाद नमाज पढ़ रहे थे, नमाज नहीं जब तक पढ़ो तब तो बहुत एकदम बेचैन, और कहीं से आओ ना मार्केट से सर एकदम दुखने लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, फिर भी नमाज अदा हो गई। तो घर आने के बाद खाना वाना खा, इतना सर में दर्द हो रहा था ना, पेन हो रहा था एकदम से ना, मन ही नहीं हो रहा था
कि मैं कुछ लूँ। एकदम घर का माहौल बिगड़ा हुआ था, बच्चे पूरा फैला दिए थे, भूख भी लग गई थी हम लोग को। तो फिर खाना खाया और सामान वामान जैसे तैसे रखा हुआ है, कुछ देखी भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं देखी क्या लाई हूँ नहीं लाई हूँ, ऐसे में कुछ लाई नहीं हूँ। बहन ही लाई है, अमन का एक स्लीपर ली थी, और हाँ एक काम से गई थी मैं, बाद में बता दूँगी आप सबको, देख लेंगे मेरे ब्लॉग में। तो बस वो उस काम से मुझे जाना था तो इसलिए मैं गई थी, और फिर सरप्राइज आप सबके लिए, देखना अच्छा लगेगा। कुछ ऐसे मैं सोची थी, कुछ करना चाहती मैं, कुछ क्या मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ सबके लिए, बट मैं नहीं कर पाती, थोड़ी मजबूरी है मेरी। लेकिन आप सब दुआ करें कि इंशाल्लाह अच्छा रहे, तो इंशाल्लाह आने वाले समय में आगे और भी ज़िंदगी रही तो और अच्छा करूँ। मैं सबके लिए बहुत कुछ सोची हूँ, हाँ अल्लाह दिल दिया है बहुत, लेकिन थोड़ी मजबूरी है इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी देने का मन बहुत करता है मुझे सबको, कुछ करने का ऐसा सबके लिए, तो वो नहीं कर पाती हूँ मैं। तो बस अभी नमाज़ पढ़े हम लोग, 1:30 बज रहा है रात के, और अब सोएंगे नहीं। आज तो 25 की रात है, तो आज भी इबादत करने की रात है, क्योंकि ये ताक रात है, इसमें कभी भी ये 10 दिन रहता है, बहुत अहम है। 10 दिन तो सोना ही नहीं चाहिए इंसान को, 10 दिन तो खैर हम लोग पूरे रमज़ान नहीं सोते हैं, लेकिन कसर से इबादत करनी चाहिए। बट दिक्कत ये होता है ना कि हम इबादत नहीं कर पाते, इतना उलझन रहता है दिमाग में, काम रहता है, देखना रहता है, सब कुछ मैनेज करना रहता है, बहुत मुश्किल होता है। तो अभी बस जैसा कि नमाज तहज्जुद पढ़ के मैं आई, सर अभी भी बहुत दुख रहा है, तो मुझे पहले चाय बना के चाय पीती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा ना, क्योंकि सोऊँगी तो फिर उठ नहीं पाऊँगी, और सो भी नहीं पाऊँगी, नींद भी नहीं आएगी, सर दुख रहा है और दिमाग में टेंशन है कि नहीं जागना है, जागने की रात है। वो चाय पी के थोड़ा अच्छा लगेगा ना, तो 5 शेर की तिलावत करूँगी। तो बस चाय बन जाए तो मैं और बहन चाय पियेंगे, बच्चे सो गए, सबको उठाऊँगी मैं, सहरी बनाऊँगी। तो बस ये था मेरा ब्लॉग, आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक से कमेंट कर दें, और ये अभी मैं जा रही हूँ, सबके लिए दुआ करूँगी, और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे, अल्लाह ज़िंदगी दे हम सबको इतनी कि हम सब इसी तरह इबादत करते रहें, अच्छे अच्छे काम करें आगे ज़िंदगी में, और आपसे मैं बातें करते रहूं अच्छी अच्छी, और आप सब मुझे सपोर्ट करें बहुत ज़्यादा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस इसी तरह ज़िंदगी जब तक रहे तब तक साथ बना रहे हम सबका, इसी तरह मैं ये दुआ करती हूँ, और सबके लिए दुआ करूँगी। आप सब भी मेरे लिए जो मुझे देख रहे हैं, तो मेरे लिए दुआ करना, और सबसे पहले तो फ़लस्तीन के लिए दुआ करना, उनको सबसे ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है। और हम तो मैं तो खैर अपने लिए बोलती जरूर हूँ, लेकिन मैं खुद भी अपने लिए ज़्यादा नहीं मांगती हूँ जितना मैं मतलब उन लोगों के लिए सोचती हूँ और मांगती हूँ। जब उन लोगों का ख्याल आता है तो कुछ भी अच्छा ही लगता है, तो उनके लिए जरूर दुआ रखना। हर दुआ में पहले अपने लिए जब भी मांगोगे ना, तो पहले उनके लिए दुआ मांगना, तो बहुत अच्छा रहेगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, अल्लाह जिस हाल में रख रहा है ना, तो बहुत अच्छे हैं। और हम छोटी सी तकलीफ में अपने शिकायत करने लगते हैं अपने रब से, लेकिन नहीं, उन लोग की तकलीफ़ देखो तो उन लोग की तकलीफ़ बहुत बड़ी है, उन लोग की दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस ये रमज़ान बहुत जल्द जा रहा है, एकदम अलविदा, जुमा हो जाएगा, हो गया आज 25 की रात है, तो जुमा का रात ही है आज, तो हो गया है जुमा का रात, अब अलविदा जुमा। देखते देखते ये साल का तो पता ही नहीं चला कि कैसे आया रमज़ान और कैसे चला गया। तो बस जाया ज़्यादा सब अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे अल्लाह से, अल्लाह एक तौबा पे माफ़ कर देता है, इतना गफूर रहीम है। तो बस जितने भी गुनाहगार आप हैं, लेकिन दिल से अपने रब से माफ़ी मांगे ना, तो अल्लाह सब गुनाह को माफ़ कर देगा, ज़मीन से लेकर आसमान तक गुनाहों को भर दो, और फिर अल्लाह पाक से बोलो या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो अल्लाह माफ़ कर देता है, अल्लाह इतना गफूर रहीम है। तो हम इंसान हैं, हमसे गुनाह खता होती है, हम खता के पुतले हैं, हम इंसान हैं, फरिश्ते तो है नहीं, बट अल्लाह मेरा गफूर रहीम है। तो उनसे दुआ मांगते रहें, अच्छे की उम्मीद करते रहें अल्लाह से, अल्लाह को कभी ना भूलें, मालूम दिल में हमेशा कुछ भी करो आप, लेकिन अपने दिल में ना अपने रब को हमेशा याद करो, उनसे बातें करो, उनसे मोहब्बत करो, अल्लाह की मोहब्बत सबसे अच्छी है, पता है। दुनिया की मोहब्बत एक धोखा है, धोखे में है हम सब, रिश्ते में बंधे हुए हैं, ये सब बेमायने हैं, कोई मतलब नहीं है। जब तक ज़िंदगी है इंसान की, तब तक ये शौहर है, बीवी है, बच्चे है, भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, ये सब दुनिया जब तक आँख खुला है तब तक है। और जो मोहब्बत अल्लाह की है ना, वो हमेशा रहने वाली है, ज़िंदगी के साथ, ज़िंदगी के बाद भी रहने वाली है मोहब्बत, और अल्लाह की मोहब्बत सच्ची है। बाकी सारी मोहब्बत मुझे लगता है कि सब ऐसे ही है, लोग आपको 2 दिन 4 दिन याद करें, कोई किसी का नहीं होता है। इसलिए अल्लाह से सबसे पहले अल्लाह से मोहब्बत करें। ठीक है दुनिया है, रिश्ते हैं, सबको निभाओ, सबको लेके चलो, लेकिन सबसे ऊपर अपना मकाम ना पहले ना अपने रब के लिए रखो, उसके बाद सबके लिए रखो। मुझे तो ये लगता है सबसे पहले अल्लाह है, अल्लाह से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बस ये हर इंसान को, हर मोमिन को, हर ईमान वाले को दिल में सिर्फ पहले अल्लाह की मोहब्बत और अपने नबी की मोहब्बत होनी चाहिए, उसके बाद सबके लिए मोहब्बत होनी चाहिए। तो चलिए ठीक है, दुआ में याद रखिएगा, और बातें बहुत लंबी चौड़ी, मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में।
तो फिर तब तक के लिए चाय पी लूँ मैं, आप सबको दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।